Hello everyone, very very good afternoon. कैसे हैं आप सभी लोग? इतनी शांति का है भाई, आज फर्स्ट क्लास है। आज तो मतलब पूरा जस्ट एंड जील होना चाहिए, है ना? पहले क्लास में हम सबसे ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, है कि नहीं? चलिए अच्छी बात है। गुड आफ्टरनून अनिरुद्ध, संतोष, सिमी। मैं भी बहुत बढ़िया, बीमार होके ठीक हो चुकी हूँ। गुड आफ्टरनून अभय, आई एम ऑल ओके। हाँ सो टुडे वी विल डील विद इंसेक्ट क्लासिफिकेशन, है ना? इंसेक्ट क्लासिफिकेशन से हम डील करेंगे क्योंकि आज हमारी फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट पेड क्लास है, राइट? तो फर्स्ट क्लास में हम क्लासिफिकेशन को कंप्लीट करेंगे। संदीप सर आल्सो रिकवरिंग, है ना? संदीप सर भी अच्छे से रिकवर कर रहे हैं, सून ही विल बी जॉइनिंग यू गाइस, है ना? जल्दी ही ज्वाइन कर लेंगे। तो अगर मैं आपके बात करूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, जो कि एंटमोलॉजी में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्रिपको के क्वेश्चन पेपर में आए हैं, दे वर मोर रिलेटेड टू केमिकल्स। केमिकल का ट्रेड नेम क्या है, केमिकल कंट्रोल अगर हमें रैट के लिए यूज करना है तो कौन सा यूज करना है, और माइट्स के लिए यूज करना है तो कौन सा यूज करना है, इस तरीके के क्वेश्चन आए थे। बट अब हम सिर्फ एक चीज पर डिपेंडेंट नहीं हो सकते कि प्रीवियस ईयर में आया था तो हम सिर्फ केमिकल्स पढ़ेंगे एंटमोलॉजी में, तो हम पूरा एंटमोलॉजी पढ़ेंगे, बहुत ही बेसिक बेसिक एंटमोलॉजी पढ़ेंगे, बहुत हाई फाई नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हाई फाई हमारे पेपर में नहीं आएगा, ठीक है? तो आज हम इंसेक्ट की पूरी क्लासिफिकेशन एक ही क्लास में कवर करेंगे। आपको जो क्लासिफिकेशन याद रखनी है वो आपको याद रखनी है सिर्फ ऑर्डर्स तक, ठीक है? ऑर्डर्स तक याद रखने की जरूरत है, फैमिलीज याद रखने की जरूरत नहीं है फॉर क्रिप्को एग्जामिनेशन। हाँ, कोई बच्चा मास्टर्स के लिए प्रिपेयर कर रहा है, एमएससी के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो उसको फैमिलीज तक जाना पड़ता है, ठीक है? उसके बाद हम इंसेक्ट की मॉर्फोलॉजी करेंगे, जो पूरी मॉर्फोलॉजी आप 6 महीने में पढ़ते हैं अपने एक बीएससी का जो आपका फर्स्ट कोर्स आता है, वो पूरे के पूरी मॉर्फोलॉजी हम 6 क्लास में खत्म करेंगे, है ना? यानी कि मॉर्फोलॉजी भी हम बहुत बेसिक बेसिक इंसेक्ट मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे, बहुत हाई फाई मॉर्फोलॉजी नहीं पढ़ने वाले। उसके बाद हमारा क्रॉप पेस्ट वाला आएगा, केमिकल्स वाला पार्ट आएगा, आपको जो है फोकस से देखना है, उसको हम थोड़ा डिटेल में करेंगे और साथ ही साथ उसको आपको एग्जामिनेशन के लिए टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहना है क्योंकि नेम ऑफ केमिकल्स और ये सब ना थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, तो साथ साथ रिवीजन एंटो में बहुत जरूरी है क्योंकि एंटो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ज्यादातर बच्चों को नहीं आता, पहली बात। दूसरी बात, इसमें बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, पूरा रट्टाफिकेशन है, तो डिफिकल्ट हो जाता है बच्चों के लिए। सारे बच्चे यही पूछते हैं, मैम इसको याद कैसे करें, है ना? तो देखो, अब मैं भी हूँ, मुझे भी ऐसा नहीं है कि पूरी एंटमोलॉजी ऐसे टिप्स पे याद है, लेकिन जो चीज़ मैं आपको रिपीटेडली पढ़ा रही हूँ, आपको पढ़ाया, किसी और बच्चे को पढ़ाया, किसी और बच्चे को पढ़ाया, इससे क्या हो रहा है, मेरा टाइमली रिविजन हो रहा है ना? मैं टाइम टू टाइम उन चीज़ों को देखती रहती हूँ, रिवाइज करती रहती हूँ, तो वो चीज़ें मुझे याद रह जाती है। तो आपको वही काम करना है, आपको रिवाइज करते रहना है ताकि आपको ये चीज़ें याद हो जाए, ठीक है? एंटोमोलॉजी में रिवीजन बहुत जरूरी है। बाकी जो आप मेरे साथ पोर्शन करेंगे वो आपका जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग का पोर्शन कवर करेंगे, वो कंसेप्चुअल पोर्शन है, उसमें इतना ज्यादा मारा मारी नहीं है, ठीक है? तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास इंसेक्ट क्लासिफिकेशन से, ठीक है? एनीथिंग रिलेटेड टू क्लासेस, आपको जो भी पूछना है, कहना है, ऑफकोर्स यू कैन, जो भी आपके डाउट्स हैं आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, है ना? तो चलिए अब हम बात करते हैं आपकी एंटोमोलॉजी सेक्शन की। तो एज आई सेड, एंटोमोलॉजी सबसे पहले, तो एंटोमोलॉजी, है ना? एंटोमोलॉजी एक आपके स्टडी ऑफ इंसेक्ट को कहा जाता है। अगर हम बात करें एंटोमोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ इंसेक्ट को एंटोमोलॉजी कहा जाता है। एंटोमोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है ना? आप लोगों ने ये सब पढ़ा होगा वैसे तो नेमराज झुंडा में। किस किस ने नेमराज झुंडा पढ़ लिया ये बताइए, तरफ जाना है और लास्ट में हमें क्लासिफिकेशन की तरफ जाना है, ठीक है?
ये आपका जो है फोकस एरिया रहेगा, मतलब जो आपका प्रायोरिटी होना चाहिए वो इस तरीके से सेट होना चाहिए। पहला केमिकल्स, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, ठीक है, इस तरीके से आपने पढ़ना है। देखो एंटमोलॉजी एंटमोलॉजी रहेगी हमेशा, ऐसा तो नहीं है कि एंटमोलॉजी की क्लासिफिकेशन चेंज हो जाएगी, ऐसा तो नहीं है इंसेक्ट की मॉर्फोलॉजी चेंज हो जाएगी। चेंज क्या होता है? फोकस एरिया, किस एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस वो आपका फोकस एरिया चेंज कर देती है, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं क्लासिफिकेशन से। तो इट स्टार्ट्स विद आर्थ्रोपोड्स व्हिच इज अ फाइलम। फाइलम अगर आपसे पूछा जाए इंसेक्ट का फाइलम कौन सा है, आप कहोगे इंसेक्ट आर्थ्रोपोडा फाइलम से बिलोंग करते हैं, ठीक है। आर्थ्रोपोडा फाइलम में इनका जो मतलब होता है, आर्थ्रोपोड का जो लिटरेट मीनिंग होता है, वो होता है जॉइंटेड लेग्स, यानी कि जिन भी ऑर्गेनिजम्स की जॉइंटेड लेग्स होती हैं वो सब आर्थ्रोपोडा फाइलम से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो आर्थ्रोपोडा में सिर्फ इंसेक्ट नहीं रहते, और भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, ये फाइलम है, ठीक है। बाइलेटरल इनकी सिमेट्री होती है, यानी कि एक ही ऐसा प्लेन होगा जिसमें आप इनको दो इक्वल हाफ्स में बांट सकते हैं। जॉइंटेड पेयर्ड अपेंडिजेस होती है, अपेंडिजेस का मतलब होता है लेग्स, एंटीना, विंग्स, ये सब आपके अपेंडिजेस में आती है, ठीक है। सिर्फ लेग्स नहीं आती है, हाथ भी अपेंडिजेस में ही आते हैं, राइट। एंटीना भी अपेंडिजेस में ही आता है। इनका एक्सोस्केलेटन होता है, यानी कि इनकी स्किन जो है ऊपर से हार्ड होती है, टफ होती है, जो उसे शेप और सपोर्ट प्रोवाइड करती है ना, आकार प्रोवाइड करती है, उसको बचाती है चीजों को, उसे चोट ना लगे। तो ये आपके काइटिनियस एक्सोस्केलेटन इसमें प्रेजेंट होता है, यानी कि एक्सोस्केलेटन यानी कि हमारा क्या है, हमारा एंडोस्केलेटन है, शरीर के अंदर प्रेजेंट है, इसका स्केलेटन बाहर प्रेजेंट है, एक्सोस्केलेटन। और वो किस चीज का बना होता है, वो काइटिन का बना हुआ होता है, ठीक है। वेंट्रल नर्वस सिस्टम रहता है, वेंट्रल नर्वस सिस्टम का मतलब है ये वाली साइड मेरी वेंट्रल साइड होती है ना। जब आप अगर ऐसे मैं हाथ जमीन पर रखूं तो मेरा ये वाला पोर्शन जमीन की तरफ होगा, तो जो जमीन की तरफ पोर्शन होता है उसे वेंट्रल कहते हैं। जो जमीन से ऑपोजिट पोर्शन होता है, यानी कि मेरी पीठ, वो क्या होती है, वो डोर्सल साइड होती है। इसमें भी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, वेंट्रल साइड कौन सी है, डोर्सल साइड कौन सी है ना। बिल्कुल, अगर अदर देन योर प्लांट पैथोलॉजी या जीपीवी से अलग मैं बात करूं, तो आपके न्यूट्रिशन से, मैंने आपको वाईटी में भी बताया था, न्यूट्रिशन से बहुत क्वेश्चन है, सॉइल न्यूट्रिशन से भी एंड प्लांट न्यूट्रिशन से भी, है ना। तो रिलेटेड टू योर फर्टिलाइजर्स, मेन्योर, सॉइल टाइप, किस सॉइल में कौन सा मिनरल पाया जाता है, कैसे न्यूट्रिशन ज्यादा पाए जाते हैं, ये आपके जो है अच्छे खासे क्वेश्चन आए थे, ठीक है। थर्ड पेयर, पेयर्ड जॉइंटेड अपेंडेजेस यूजुअली टर्मिनेट्स इन अ क्लास, ठीक है, क्लास नहीं आएगा, एक क्लॉ आएगा एक्चुअली, इसलिए आपको समझ भी आया होगा, है ना। तो इनके जो है जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं, जॉइंटेड अपेंडेजेस मतलब जो इनके लेग्स हैं, सिक्स पेयर्स ऑफ लेग्स होती हैं, वो जॉइंटेड होती हैं, ऐसे एक नहीं होती पूरी, इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट से ज्वाइन करके बनाया जाता है ना। तो जॉइंटेड लेग्स होती है, ज्वाइंट काफी ज्यादा होते हैं, जैसे हमारे नीज में जॉइंट है ना, इनके पूरी बॉडी में ऐसे सेगमेंट्स होती हैं, जॉइंट्स होते हैं, है ना। तो जॉइंटेड लेग्स इनकी प्रेजेंट होती है। हीमोसेलिक बॉडी कैविटी होती है, यानी कि हीमोसेलिक मींस ट्यूब विद इन ट्यूब वाला जो स्ट्रक्चर होता है ना। तो बेसिकली आपका जो इंसेक्ट है, ये इसकी मान लीजिए बाहर की स्किन है ना, यहाँ पर इसके ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे और इसके अंदर एक खाली स्पेस होगा, ये जो स्पेस है ये खाली स्पेस है, तो इसको हम कहते हैं हीमोसील। हीमोसील क्या है, बॉडी के अंदर एक खाली स्पेस है, बीचों बीच एक खाली स्पेस है, ठीक है। तो वो जो बीचों बीच खाली स्पेस है उसे हीमोसील कहते हैं। इसमें इंसेक्ट का ब्लड फ्लो करता है, ठीक है, इसमें इंसेक्ट का ब्लड फ्लो करता है। इंसेक्ट का ब्लड हमारी तरह आर्टरीज या वेन्स में नहीं बहता, जो बॉडी में कैविटी है, बॉडी में जो स्पेस है उसी में बहता है, ठीक है, इसलिए इसको ओपन सर्कुलेटरी टाइप कहते हैं। मसल्स में स्ट्रेटेड फाइबर्स पाए जाते हैं। सीलिएटेड एपिथीलियम एब्सेंट, इसमें जो है ऊपर जो आपकी स्किन है उस पे सीलिया नहीं पाए जाते, हेयर लाइक स्ट्रक्चर जरूर पाए जाते हैं बट सीलिया नहीं पाए जाते, उनको हम सिटेई कहते हैं, उन्हें हम सिटेई कहते हैं, ठीक है। सीलिया इज एब्सेंट, इनकी बॉडी पर सीलिया
सीलिया नहीं होता है, ठीक है? तो ये आपको याद रखना है। तो ये आर्थ्रोपोडा के क्या है, प्रॉपर्टीज है, जिन जिन एनिमल्स में ये प्रॉपर्टीज पाए गए उन सबको हम आर्थ्रोपोडा ऑर्डर में काउंट करेंगे। अब आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर आपको स्कॉर्पियो, आपका ये कान खजूरा है ना, स्पाइडर्स, ये सब दिख रहे हैं, लीच, ये सब आपके आर्थ्रोपोड्स में तो आते हैं, लेकिन ये सब आपके इंसेक्ट्स में नहीं आते हैं। स्पाइडर इज नॉट एन इंसेक्ट। स्पाइडर क्या होता है? मकड़ी जो जाले बनाती है आपके घरों में, स्पाइडर्स हैं, क्रैब्स हैं, है ना, इस तरीके से, झींगा जो खाते हैं, प्रॉन्स है ना, कान खजूरा, मेलिपिडिस, ये सब क्या है? ये सब आपके इंसेक्ट्स नहीं है, ये सिर्फ आर्थ्रोपोडा फाइलम में आते हैं, ये ट्रू इंसेक्ट नहीं होते हैं, ठीक है? तो ये आर्थ्रोपोडा फाइलम के मेंबर्स जरूर हैं, लेकिन इंसेक्ट के मेंबर्स नहीं है। इस फाइलम के अंतर्गत क्लास आती है इंसेक्टा, और भी बहुत सारी क्लासेस आती है, फाइलम में बहुत सारी क्लासेस होती हैं, लेकिन अगर हम टोटल पॉपुलेशन देखें तो आर्थ्रोपोडा में जितनी टोटल पॉपुलेशन है उसका 3/4 पॉपुलेशन इंसेक्ट्स की ही है। इसलिए काफी लोग ये सोचते हैं आर्थ्रोपोडा का मतलब इंसेक्ट्स होता है, ठीक है? ये सुशील नोट्स मिलेंगे आपको, ये पीडीएफ मिलेगी, ओके? देन कमिंग टू क्लास इंसेक्टा, ठीक है? क्लास इंसेक्टा की अगर हम बात करें तो व्हाट इज डिवाइडेड इनटू 3 सेगमेंट्स। क्लास इंसेक्ट्स में ये भी एक होना चाहिए, वो सारे जो फाइलम में थे वो तो होने ही चाहिए, उसके साथ इसकी बॉडी जो है 3 सेगमेंट्स की होनी चाहिए, यानी कि इसकी पूरी बॉडी 3 सेगमेंट्स में डिवाइड होनी चाहिए। वो होता है हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, है ना, ऊपर वाला हेड, फिर ये बीच वाला रीजन थोरैक्स, और नीचे वाला एब्डोमेन। तो इसमें 3 जो है आपकी सेगमेंट्स होती हैं, और इसमें जैसे कान खुजुरे में बहुत सारी लेग्स प्रेजेंट होती है, इसमें इस तरीके से नहीं मिलेगा, इसमें हमेशा क्या मिलेगा, 3 पेयर ऑफ लेग्स मिलेगा। 3 पेयर ऑफ लेग यानी कि 6 टांगे इसमें प्रेजेंट होती है, 6 लेग्स इसमें प्रेजेंट होती है, इसीलिए इसको हेक्सापोडा भी कहा जाता है, ठीक है? हेक्सापोडा का मतलब क्या है? हेक्सा मीन्स 6, पोडा मीन्स लेग्स, हेक्सापोडा इसको इसीलिए कहा जाता है। रेस्पिरेशन इसमें ट्रैकियल सिस्टम होता है ना, इसमें लंग्स प्रेजेंट नहीं होती, ट्रैकिया खुद एक पाइपलाइन बिछा के रखती है पूरी बॉडी में इंसेक्ट की, और खुद जो है ऑक्सीजन पहुंचाती है, राइट? और इसी तरीके से जॉइंटेड लेग जैसे वहां प्रेजेंट थी यहाँ भी प्रेजेंट है, हीमोसेलिक बॉडी कैविटी है, ओपन सर्कुलेटरी टाइप सिस्टम है, कंपाउंड आइज प्रेजेंट है, एंटीना प्रेजेंट है, 2 पेयर ऑफ विंग्स प्रेजेंट है, ये सब चीजें आपको पता है ना? तो दिस इज ऑल अबाउट क्लास इंसेक्टा, ठीक है? एक्सक्रीशन में इसमें मालफीजियन ट्यूब्यूल्स का रोल काफी इंपॉर्टेंट है, एक्सक्रीशन इज मेनली बाय मालफीजियन ट्यूब्यूल्स, है ना? वहीं इसमें एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट है जिसे क्यूटिकल कहते हैं, राइट? और आपकी मेटामॉर्फोसिस इंसेक्ट्स में प्रेजेंट होती है। व्हाट डू यू मीन बाय प्रेजेंस ऑफ मेटामॉर्फोसिस? देखिए, जब हम पैदा होते हैं हम बिल्कुल ऐसे ही पैदा होते हैं जैसे हम थे, हमारा सिर्फ साइज इंक्रीज हुआ है, कुछ ऐसा तो नहीं है कि मैं बड़ी हो गई तो मेरे पंख आ गए हैं, ऐसा नहीं हुआ ना। इसे बोलते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट, दिस इज कॉल्ड एज डायरेक्ट डेवलपमेंट। अगर मैं, हो सकता है मैं ऐसी पैदा हुई हूँ, है ना, 2 हाथ 2 पांव 2 आंखें 2 नाक, 2 नाक नहीं है, एक ही नाक है ना, इसी तरीके से पैदा हुई, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई मेरे विंग्स डेवलप हो गए, पूंछ डेवलप हो गई, कुछ भी एक्स्ट्रा डेवलप हो रहा है, तो इसको हम डायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं कहते, इसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, यानी कि पैदा होने के बाद भी चीजें बदल रही हैं, डेवलपमेंट हो रही है, तो उसे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। जिनमें भी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट प्रेजेंट होती है तो हम उसे कहते हैं उसमें मेटामॉर्फोसिस हो रहा है, यानी कि उसकी बॉडी चेंज हो रही है उम्र के हिसाब से, एडल्ट अलग दिखता है, बच्चा अलग दिखता है, बूढ़ा अलग दिखता है ना, तो उसकी बॉडी चेंज हो रही है, उसमें क्या हो रहा है, मेटामॉर्फोसिस हो रहा है, ठीक है? मेटामॉर्फोसिस कंप्लीट भी हो सकता है, इनकम्प्लीट भी हो सकता है। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस का मतलब है एग, एग से जब हैचिंग हुई तो बाहर निकला लार्वा, लार्वा बड़ा होकर बन गया एडल्ट, सॉरी प्यूपा, प्यूपा से बन गया एडल्ट, ये चारों स्टेज अगर प्रेजेंट है तो हम कहते हैं कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस प्रेजेंट है। अगर इनमें से प्यूपल स्टेज एब्सेंट होती है, लार्वे से सीधा एडल्ट बन जाता है, तो हम उसे इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, ठीक है?
एनी डाउट स्टिल हियर? कोई भी डाउट है, कुछ पूछना है यहाँ तक आप सभी को? ये सारे आप पिक्चर देख रहे हैं, सब इंसेक्ट की पिक्चर्स हैं, है ना? चले आगे। चलिए, वेरी नाइस। अब आपके क्लास इंसेक्टा या फिर क्लास हेक्सापोडा अगर हम बात करें तो उसके सब क्लासेस होती हैं, ठीक है? सब क्लास में जो पहली क्लास आप पढ़ रहे हैं वो है ए टेरिगोट्स। ए टेरिगोट्स, ए टेरिगोट्स विंगलेस इंसेक्ट्स होते हैं। ए मीन्स एब्सेंट, टेरिगोट्स मीन्स विंग्स, जिसमें विंग्स एब्सेंट हो उन्हें ए टेरिगोट्स कहा जाता है। अब देखो, मतलब समझोगे तो रटना नहीं पड़ेगा, सीधा रटोगे ए टेरिकोट्स ए टेरिकोट्स ए टेरिकोट्स तो मुश्किल होगा, है ना? तो जो ए टेरिकोट्स हैं इनको हम ए मैटाबोला भी कहते हैं। ए मैटाबोला का मतलब फिर से अगेन क्या हो गया? ए फॉर एब्सेंट, मैटाबोला मीन्स मेटामोर्फोसिस। तो देखो, जिन इन विंग्स डेवलप नहीं हो रहे, जिनमें विंग्स एब्सेंट हैं, उनमें अक्सर मेटामोर्फोसिस भी एब्सेंट होता है, क्योंकि मेटामोर्फोसिस की जरूरत ही नहीं है, विंग्स डेवलप करने ही नहीं है, है ना? तो जो विंगलेस इंसेक्ट होते हैं उनमें अक्सर मेटामोर्फोसिस भी एब्सेंट होता है, राइट? उन्हें ए टेरिगोट या ए मेटाबोला कहते हैं। इंसेक्ट्स की पूरी क्लासिफिकेशन है वो उनके विंग्स के बेसिस पर है। आप जितने भी चीजें देखेंगे, है ना, जितने भी नाम देखेंगे क्लासेस के, ऑर्डर्स के, सब उनके विंग्स के बेसिस पर होते हैं, ठीक है? तो इनकी जो पूरी क्लासिफिकेशन है वो विंग्स के बेसिस पर है। ए टेरिकोट्स यानी कि विंगलेस इंसेक्ट्स को हम एक्चुअली ट्रू इंसेक्ट्स में काउंट नहीं करते, है ना? दे आर नॉट ट्रू इंसेक्ट। ठीक है, ये ट्रू इंसेक्ट नहीं होते हैं। एग्जाम्पल्स यहाँ दिया हुआ है, प्रोट्यूरा जिसमें आपके ऑर्डर में आती है टेल्स एंड टेल्स, डिप्ल्यूरा ऑर्डर में डिप्ल्यूरांस आते हैं, कोलम्बोला ऑर्डर में स्प्रिंग टेल्स और स्नो फ्लीज आती है, थाइसरोयूरा में ब्रिसल टेल्स और सिल्वर फिश आती है ना? देखिए, अब इन इंसेक्ट में आपको कहीं पंख दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे। सिल्वर फिश में भी नहीं दिख रहे, स्कॉर्पियो में भी नहीं दिख रहे। तो ये क्या है आपके? ये आपके ए टेरिकॉट्स हैं, यानी कि विंगलेस इंसेक्ट है, एंड इनको हम ट्रू इंसेक्ट्स में काउंट नहीं करते हैं। नाउ, ए टेरिकॉट्स होते हैं तो टेरिकॉट्स भी होते ही होंगे, राइट? टेरिकॉट्स यानी कि विंग्स प्रेजेंट है, पी पी से स्टार्ट होता है, ठीक है? तो यहाँ पर क्या हो जाता है? प्रेजेंट, यानी कि विंग्स क्या है? प्रेजेंट है। इनको हम बोलते हैं मेटाबोला, ए हटा देते हैं, यानी कि जहां विंग्स प्रेजेंट है वहां मेटामोर्फोसिस भी प्रेजेंट है, ठीक है? तो इनका जो डिफरेंस यहाँ पर दिख रहा है वो आप पढ़ सकते हैं, बट मेजरली आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, ए टेरिकोट्स विंगलेस इंसेक्ट्स होते हैं, ए मेटाबोला कहते हैं, इनमें मेटामोर्फोसिस भी एब्सेंट होता है। टेरिकोट्स में विंग्स प्रेजेंट होते हैं, इनमें आपका जो है मेटामोर्फोसिस भी प्रेजेंट होता है, यानी कि विंग्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, चलिए। अब जो आपके ए टेरी सॉरी टेरीगोट्स हैं, यानी कि विंग वाले इंसेक्ट हैं, टेरीगोट्स, टेरीगोट्स मतलब प्रेजेंट, विंग्स प्रेजेंट हैं, ये अगेन दो भागों में बंटता है। वो दो भाग है एक्सोटेरिगोट्स एंड एंडोटेरिगोट्स, ठीक है? वो दो भाग क्या है? एक्सोटेरिगोट्स एंड एंडोटेरिगोट्स। तो जो एक्सोटेरिगोट्स हैं, दीज आर, एक्सो का मतलब क्या होता है? आउटसाइड। एक्सो का मतलब क्या होता है? आउटसाइड, बाहर, है ना? बाहर, जिनके विंग्स एक्सटर्नली डेवलप होते हैं, विंग्स आर डेवलप्ड एक्सटर्नली। और ये विंग्स एक्सटर्नली डेवलप क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें प्यूपल स्टेज जो है एब्सेंट होती है। देयर इज नो प्यूपल स्टेज, इसमें कोई प्यूपल स्टेज नहीं होती, ठीक है? जैसे कि ये सीधा क्या करते हैं? एग, एग से बनता है लार्वे,
और लार्वे से डायरेक्टली बन जाता है एडल्ट। इनमें कोई प्यूपल स्टेज नहीं होती है। अब देखो मैंने कहा था ना कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, कंप्लीट तो यहाँ पर नहीं है क्योंकि चार स्टेज नहीं है, यहाँ पर तो तीन ही स्टेज है ना, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं इनकंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। इनकंप्लीट मेटामॉर्फोसिस और इस इनकंप्लीट मेटामॉर्फोसिस को ही हम बोलते हैं हेमी मेटाबोला। भाई ए मेटाबोला का मतलब था मेटामॉर्फोसिस कंप्लीटली एब्सेंट है, मेटाबोला का मतलब था प्रेजेंट है। अब कंप्लीट है या इनकंप्लीट है हमें नहीं पता, यानी कि मेटाबोला में फिर दो आते हैं हेमी मेटाबोला एंड होलो मेटाबोला। हेमी मींस हाफ, हेमी मींस हाफ, हाफ मींस इनकम्प्लीट। हाफ का मतलब क्या होता है? इनकम्प्लीट। तो इसको हम हेमी मेटाबोला भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसी को हम एक्सोटेरिगोट्स बोलते हैं क्योंकि इनके विंग्स बाहर डेवलप होते हैं, क्योंकि इसमें प्यूपल स्टेज एब्सेंट होती है। उसी एक्सोटेरिगोट्स को हम हेमी मेटा बोलते हैं क्योंकि इसमें जो मेटामॉर्फोसिस है वो कंप्लीट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें प्यूपल स्टेज एब्सेंट है। वही दूसरी साइड एक आता है आपका एंडोटेरिगोट्स। एंडो का मतलब होता है इनसाइड, तो इसमें जो आपके विंग्स हैं वो इंटरनली डेवलप होते हैं, यानी कि इनमें जो लार्वा है वो प्यूपा स्टेज में जाता है, अपने आप को कवर करता है और प्यूपल स्टेज में वो अपने विंग्स डेवलप करता है और एडल्ट बन के बाहर निकलता है, ठीक है। तो एंडो का मतलब होता है इनसाइड। तो इनसाइड जब विंग्स डेवलप होते हैं, इंटरनली जब विंग्स डेवलप होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम? होलो मेटाबोला कहते हैं, होलो मेटाबोला, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एग्स हैं, एग्स लार्वे में बनते हैं, लार्वे आपके प्यूपे में बनते हैं, प्यूपा आपका एडल्ट में बनता है। विंग्स प्यूपा के टाइम डेवलप होते हैं अंदर, तो इसको इंटरनली डेवलपमेंट कहते हैं और इसीलिए इसका नाम एंडोटेरिगोट्स रखा गया है। क्योंकि इसमें चारों के चारों स्टेज प्रेजेंट हैं, तो इसको हम होलो मेटाबोला या फिर इनकम्प्लीट, सॉरी इन नहीं आएगा, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस है ना, होलो मेटाबोला या कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। बेसिक डिफरेंस समझ आया या अभी कोई शंकाएं हैं? होलो मेटाबोला क्या है, हेमी मेटाबोला क्या है, एक्सोटेरिगोट्स क्या है, एंडोटेरिगोट्स क्या है? वेरी गुड। देखो मेरा जो मेजर इश्यू है वो यही है, मैं चाहती हूँ कि आप यहाँ से चीजों को दिमाग में क्लियर एक पिक्चर बनाकर जाएं जब इस रूम से बाहर निकले, यानी कि इस क्लासरूम से बाहर निकले, है ना। वो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, वो क्या था, वो कहाँ आएगा, वो कहाँ फिट होएगा। अगर एक बार हमारे माइंड में पिक्चर क्लियर हो जाती है ना, सीढ़ियां बन जाती है, पहले ये था, फिर ये था, फिर ये था, फिर ये था, तो हमें एग्जाम में याद करना बहुत आसान होता है। हमें रट्टाफिकेशन की इतनी जरूरत नहीं पड़ती अगर हमें पीछे के रीजंस पता होते हैं, उनके मतलब पता होते हैं, या फिर हमें कंप्लीट पिक्चर उसकी बना पाते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि जो आपके टेरिगोट्स हैं वो दो टाइप के हैं, एक्सोटेरिगोट्स एंड एंडोटेरिगोट्स। एक्सोटेरिगोट्स में कौन कौन आता है, ठीक है। तो एक्सोटेरिगोट्स में आप ये जो साइड में देख रहे हैं, ये देख रहे हैं आप ऑर्डर्स के नाम, ऑर्डर्स, तो आप ऑर्डर्स के नाम देख रहे हैं। सबसे पहले आता है ओडोंटा ऑर्डर। ओडोंटा ऑर्डर में आते हैं आपके ड्रैगन फ्लाई एंड डैम्सन फ्लाई, ठीक है। ड्रैगन फ्लाई एंड डैम्सन फ्लाई इस तरीके की दिखती है। इनके दोनों विंग्स जो है मैम्ब्रेनस होते हैं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट मैम्ब्रेन से, है ना, कि छुओगे तो टूट जाएंगे। तो ये ओडोंटा ऑर्डर में आते हैं, ड्रैगन फ्लाईज एंड डैम्सन फ्लाईज, राइट। ओडोंटा ऑर्डर में एक्सोटेरिगोट्स क्यों कहा गया है? क्योंकि इनमें प्यूपल स्टेज अगेन एब्सेंट होते हैं। इन सब में प्यूपल स्टेज एब्सेंट होते हैं, जितने भी एग्जांपल आप देख रहे हैं, क्योंकि इनमें प्यूपल स्टेज एब्सेंट होती है तो विंग्स एक्सटर्नली डेवलप होते हैं, बाहर डेवलप होते हैं, इसीलिए ये एक्सोटेरिगोट्स में आते हैं। देन यू हैव प्लिकॉप्टरा, जिसमें आती है स्टोन फ्लाई, है ना, आपका डिक्टियोप्टरा जिसमें आता है कॉकरोच एंड मैंटिड्स, ग्राइलोब्लेटॉइड्स जिसमें ग्राइलोब्लेटिड्स आते हैं,
और थप ड्रा में आपका ग्रास होपर एंड लोकस्ट आते हैं। एक्चुअली अब इसको भी डिक्टियोप्टेरा की जगह ब्लेटोइडिया कहा जाता है, ब्लेटोडिया, ठीक है। कॉकरोच बिलोंग्स टू ब्लेटोडिया ऑर्डर नाउ, ओके। तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा या फिर मैं आपकी पीडीएफ में करेक्ट करके दे दूंगी। ओडोन्टा, प्लिकोप्टरा, डिक्टोप्टरा, ग्राइलो ब्लेटोडिया और थप्टरा, ये आपके ऑर्डर्स हैं जिनमें प्यूपल स्टेज एब्सेंट होती है, यानी कि ना तो कॉकरोच में प्यूपा बनता है, ना ग्रास होपर में प्यूपा बनता है, ना मेंटेड्स और लोकस्ट में प्यूपा बनता है, ना ड्रैगन फ्लाई डेमसन फ्लाई में प्यूपा बनता है, ना स्टोन फ्लाई में प्यूपा बनता है, ठीक है। तो ना आपकी स्टोन फ्लाई में बनता है, ना आपके ग्राइलो ग्राइलोब्लेटिड्स में बनता है, ना ग्रास होपर ना कॉकरोच, है ना। तो ये चीज हमें याद रखनी है, कॉकरोच एंड ग्रास होपर काफी कॉमन भी है, इनमें कोई प्यूपल स्टेज नहीं होती, तो इनके जो विंग्स हैं वो एक्सटर्नली डेवलप होते हैं, ठीक है। दिस इज योर स्टोन फ्लाई, ये आपकी स्टोन फ्लाई है और ये आपका मेंटिड है, प्रेइंग मेंटिस, है ना। प्रेइंग मेंटिस आपने देखे ना, आगे हाथ इस तरीके से होते हैं हमेशा इसके, जैसे प्रे कर रहा हो, इसलिए इसका नाम प्रेइंग मेंटिस रखा गया है, ठीक है। आपके ग्राइलोबिट्स हैं, दिस इज योर ग्राइलोब्लिट्स एंड दिस इज योर ड्रैगन फ्लाई, दिस इज योर ग्रास होपर, और कॉकरोच तो आपने अपने घर में सबने देखा होगा, है ना। तो इन सब में प्यूपल स्टेज जो है एब्सेंट होती है, इसलिए ये हमेशा एक्सोटेरिगोट्स की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि इनके विंग्स जो है एक्सटर्नली डेवलप होते हैं। फिर आते हैं एंडोटेरिगोट्स। एंडोटेरिगोट्स में आता है आपका मेकोप्टरा, जिसमें स्कॉर्पियन फ्लाईज आती है। ये फ्लाई आप देख रहे हैं, स्कॉर्पियो जैसी पूंछ है इसकी, लेकिन फ्लाई है ना, विंग्स प्रेजेंट है। तो स्कॉर्पियन फ्लाई जो है आपके मेकोप्टरा ऑर्डर में आती है। ट्राइकोप्टरा में कैडिस फ्लाई आती है, दिस इज योर कैडिस फ्लाई, राइट। फिर आपकी मोथ और बटरफ्लाई आती है, ये तो आपने देखी ही हुई होंगी, जो कलरफुल होती है उसे बटरफ्लाई कह देते हैं, जो डस्की ब्राउन कलर की होती है उसे मोथ कह देते हैं। ये दोनों के दोनों लैपिडॉप्टरा ऑर्डर से बिलोंग करते हैं। डिप्टरा ऑर्डर से आपके फ्लाईज एंड मस्कीटोज बिलोंग करते हैं, ठीक है। हाउस फ्लाई जैसे फ्रूट फ्लाई, ये सब आपके डिप्टरा ऑर्डर से बिलोंग करती है। सिफेनोप्टरा से आपकी फ्लीज बिलोंग करती हैं, दिस इज अ फ्ली, है ना। फ्ली इज डिफरेंट फ्रॉम फ्लाई, कई लोग सोचते हैं मैम ने स्पेलिंग गलत लिख दी होगी, ओके। एक्चुअली आई डोंट नो इफ द स्कॉर्पियन फ्लाई स्टिंग्स और नॉट, है ना, क्योंकि मैंने इसको एक्चुअल में कभी नहीं देखा है, सो वी विल सर्च। फ्लीज जो है ये आपकी जनरली पैरासिटिक इन नेचर होती है एंड दे फीड्स ऑन ब्लड, जनरली ये जो है ब्लड फीडर्स होती है। ये जनरली ब्लड फीडर्स होती है, है ना। तो अक्सर इसको जो है पैरासिटिक या ब्लड फीडर वाला ऑर्गन का ऑर्डर कहा जाता है, राइट। हिम्नोप्टरा में आपकी आंट्स, चींटियां जो है हिम्नोप्टरा में आती है, बीज, मधुमक्खी आपके हिम्नोप्टरा में आती है, वास्प, ततैए भी जो है आपके हिम्नोप्टरा ऑर्डर में आते हैं, है ना। मधुमक्खी बस थोड़ी ब्लैक ब्लैक से कलर की होती है, ब्लैक येलो कलर, वास्प अक्सर आपके ब्राइट येलो कलर के होते हैं, आंट्स आपकी ब्लैक कलर की होती है। कुलियोप्टरा से आपका बीटल्स एंड वीविल्स बिलोंग करते हैं। लेडी बर्ड बीटल आप सभी ने देखी होगी, रेड कलर की बीटल, ब्लैक ब्लैक उसके ऊपर स्पॉट्स होते हैं, है ना। तो बीटल्स और वीविल्स ये आपके कोलियोप्टरा से बिलोंग करते हैं, वास्प एंड बीज हिम्नोप्टरा से बिलोंग करती हैं, फ्लीज सिफेनोप्टरा से बिलोंग करती हैं, फ्लाई जैसे कि हाउस फ्लाई, फ्रूट फ्लाई, ये डिप्टरा ऑर्डर से बिलोंग करती हैं, लैपिडोप्टरा ऑर्डर से आपकी मोथ एंड बटरफ्लाई बिलोंग करती हैं, कैडिस फ्लाई आपके ट्राइकोप्टरा से बिलोंग करती हैं, स्कॉर्पियन फ्लाई आपकी मेकोप्टरा से बिलोंग करती हैं। एज आई सेड, ऑर्डर्स तक आपको क्लासिफिकेशन याद करनी ही करनी है, ठीक है। तो एक बार फटाक से रिवीजन करते हैं। इट स्टार्ट्स विद फाइलम आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा फाइलम में आती है क्लास हेक्सोपोडा। हेक्सोपोडा क्लास में दो सब क्लासेस आती हैं, ए टेरिगोट्स एंड टेरिगोट्स। ए टेरिगोट्स मतलब मेटामॉर्फोसिस एब्सेंट, ठीक है। टेरिगोट्स यानी कि प्रेजेंट तो है मेटामॉर्फोसिस,
इट कैन बी कंप्लीट, इट कैन बी इनकम्प्लीट, राइट। इनकम्प्लीट को बोलते हैं हैमी मेटाबोला और कंप्लीट को बोलते हैं होलो मेटाबोला, ठीक है। इनकम्प्लीट को एक्सोटेरागोट्स भी कहते हैं, इसको एंडोटेरिगोट्स कहते हैं। एक्सोटेरिगोट्स में आपके जो है ऑर्थोप्टेरा ऑर्डर आता है, ऑर्थोप्टेरा ऑर्डर आता है, आपका ब्लेटोडिया आता है, आपका ओडोंटा आता है ना, और एंडो में आपके बटरफ्लाइज यानी कि लैपिडोप्टेरा ऑर्डर, मोथ है ना, आपका हिम्नोप्टेरा, हिम्नोप्टेरा जहाँ पे आपकी बीज और वास पाते हैं, डिप्टरा जहाँ पर आपकी फ्लाइज आती है ना, ये सब आपके एंडोटेरिगोट्स के एग्जाम्पल हैं जहाँ पर विंग्स इंटरनली डेवलप होते हैं, राइट। अगर हम ऑर्थोप्टेरा देखें, ऑर्थोप्टेरा का मतलब होता है स्ट्रेट विंग्स, है ना, ऑर्थोप्टेरा का मतलब होता है स्ट्रेट विंग, राइट। सीधे विंग्स रहते हैं, इनके फोल्ड नहीं होते, इसीलिए ग्रास होपर्स इसी कैटेगरी में आते हैं। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ दैट ऑर्डर, है ना, ये आपके एग्जाम्पल्स हैं डिफरेंट ग्रास होपर्स जो आप देखते हैं, राइट। उसके बाद इसी तरीके से डिक्टियोप्टेरा आता है जिसमें मेंटेड्स आते हैं, प्रेइंग मेंटेड्स जिसका नाम है मेंटिस रिलिजियोसा। आइसोप्टेरा में आपके टर्माइट्स और व्हाइट आंट्स आती है ना, टर्माइट्स एंड व्हाइट आंट्स आपकी आइसोप्टेरा में आती है। थाइसेनोप्टेरा में आपके थ्रिप्स आते हैं। अब देखो यहाँ है थाइसेनोप्टेरा, यहाँ है थाइसेनो यूरा, सेम नहीं है, अलग अलग है, यहाँ यूरा है वहां ट्रा है, ठीक है। थाइसेनो यूरा में आपके सिल्वर फिश आती है, थाइसेनोप्टेरा में आपका थ्रिप्स आता है, थ्रिप्स बिलोंग टू थाइसेनोप्टेरा ऑर्डर, ठीक है। उसके बाद हेमिप्टेरा जिसमें आपके बग्स आते हैं, हेमिप्टेरा ऑर्डर में क्या आते हैं, आपके बग्स आते हैं, स्टिंग बग आता है आपका, ठीक है, नेजेरा विरिडुला, राइट। और आपका मिरिडी फैमिली से, अभी फैमिली आ गई है इसके अंदर, हेमिप्टेरा के अंदर कौन सी फैमिली है, फैमिली आपको याद करने की जरूरत नहीं है फ्रॉम क्रिब्को पॉइंट ऑफ व्यू। आप चाहें एक बार रीडिंग जरूर मार सकते हैं इंटरेस्ट हो तो, बट फ्रॉम क्रिब्को पॉइंट ऑफ व्यू फैमिली इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो आपके जैसे टी मस्किटो बग है या ब्राउन प्लांट होपर है, ये मिरिडी फैमिली से बिलोंग करते हैं, वहीं आपका स्टिंग बग है, रेड पम्पकिन बग है, कैबेज पेंटेड बग है, ये सब आपके मेंटिडी फैमिली से बिलोंग करते हैं। पाइरोकोरिडी फैमिली से आपका रेड कॉटन बग बिलोंग करता है, सिकाडी डेली फैमिली से आपके जैसेट्स और लीफ होपर्स बिलोंग करते हैं, ठीक है। जैसेट्स एंड लीफ होपर भी छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं जो आप क्रॉप में देख सकते हैं। आपकी डेल्फिसिडी फैमिली में अगेन ब्राउन प्लांट होपर, व्हाइट बैक्ड प्लांट होपर, ये सब काउंट होते हैं। स्यूडोकॉक्सिडी में मिली बग्स काउंट होते हैं, ये अक्सर पूछ लिया जाता है। एल्यूरोरिडी में व्हाइट फ्लाई काउंट होती है। देखो मिली बग्स, व्हाइट फ्लाई, लीफ होपर्स, प्लांट होपर्स, एफिड्स, सब आपके आपके हेमिप्टेरा या होमोप्टेरा ऑर्डर से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो ये जो ऑर्डर है काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंसेक्ट्स जो क्रॉप में ज्यादा आजकल प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं वो हेमिप्टेरा ऑर्डर से ही बिलोंग कर रहे हैं, है ना। हेमिप्टेरा में आपके सारे बग्स आते हैं और होमोप्टेरा में आपके ये आते हैं एफिड्स, व्हाइट फ्लाइज, मिली बग्स आपके होमोप्टेरा में आते हैं, है ना, इंसेक्ट स्केल्स आपके होमोप्टेरा में आते हैं, ब्राउन प्लांट होपर्स आपके होमोप्टेरा में आते हैं, ठीक है। वही अगर हम देखें यहाँ पर तो आपके जो जेसिड्स हैं, जेसिड्स और लीफ होपर्स, वो हेमिप्टेरा में आते हैं, राइट। लैपिडोप्टेरा में आपकी मोथ और बटरफ्लाईज आती हैं, डिफरेंट मोथ्स और बटरफ्लाईज हैं जो हमारी क्रॉप्स पर अटैक करती हैं। लेकिन जो हमारी भी बटरफ्लाईज हैं या मोथ हैं, ये कोई भी वो नहीं करती, एडल्ट जो है वो नुकसान नहीं पहुंचाती है, सिर्फ इनके जो भी कैटरपिलर स्टेज होते हैं वही नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। रमा, आई विल कम टू योर क्वेरी, डोंट वरी, आई एम जस्ट फिनिशिंग द टॉपिक्स एंड देन आई कम टू द टॉपिक ऑफ योर्स, राइट, बिकॉज इट इज नॉट रिलेटेड टू द सब्जेक्ट, सो दैट्स व्हाई आई विल टेक इट इनटू द एंड, है ना। एंड में हमारे पास हमेशा 10 मिनट रहेंगे क्लास में, जब हम कोई भी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, चाहे वो क्लास से रिलेटेड हो, पीडीएफ से रिलेटेड हो, टीचर से रिलेटेड हो, कोई भी प्रॉब्लम हो,
10 मिनट में हम बेसिकली बातें करेंगे, ठीक है? चलिए, लैपिडोप्टेरा में आपकी नॉक्टुरी फैमिली आ रही है, विच इज अगेन इसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट हेलिकोवर्पार, मिजेरा, स्पोडिप्टेरा लिट्यूरा इससे बिलोंग करते हैं, जो हमारी क्रॉप में काफी अटैक करते हैं, ठीक है? उसके बाद आपकी लेपिडोप्टेरा के बाद कोलियोप्टेरा ऑर्डर आता है, जिसमें बीटल्स बिलोंग करती हैं, लेडी बर्ड बीटल है ना? तो बीटल और वीविल्स, जितने भी वीविल्स हैं, राइस वीविल है, स्टोर्ड पेस्ट है, ये सारे आपके कोलियोप्टेरा ऑर्डर से बिलोंग करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर इनके एग्जाम्पल गिवन है। अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग फैमिलीज आर नॉट इम्पोर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बट इफ यू वॉन्ट टू रीड यू कैन गो अहेड, लेकिन ऑर्डर्स तक आपको चीजें याद होनी चाहिए। इतना एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट करता है कि अगर आप एंटोमोलॉजी पढ़कर आए हैं तो किस ऑर्डर से कौन सा इंसेक्ट बिलोंग करता है आपको पता होगा, है ना? हिम्नोप्टेरा में आपकी सॉ फ्लाइज भी आती हैं, आपकी हनी बी भी आती हैं, आपके वास्प भी आते हैं, आपकी आंट्स भी आती हैं, ये सारे आपके हिम्नोप्टेरा में आते हैं, ठीक है? डिप्टेरा में आपकी हाउस फ्लाई, फ्रूट फ्लाई, बेसिकली फ्लाइज एंड मिज बिलोंग टू डिप्टेरा ऑर्डर है ना? मिज और फ्लाइज जो है वो आपके डिप्टेरा ऑर्डर से बिलोंग करते हैं। तो ये आपके हाउस फ्लाई जैसे मस्किडी फैमिली से बिलोंग करती है ना? तो फैमिलीज जरूरी नहीं है बट ठीक है, अगर आपको आती है तो बहुत अच्छी बात है, वो वाली केस है। फ्रूट फ्लाई आपकी टेफ्रिडी फैमिली से बिलोंग करती है। तो ये आपकी जो फ्लाइज और मिज है, गॉल मिज जो होते हैं है ना, ये डिप्टेरा ऑर्डर से बिलोंग करते हैं। एंड दैट्स इट, ठीक है? तो देखो अभी है अपने पास 10 मिनट एंड हमारी क्लास ओवर ऑलरेडी हो गई है। सो नाउ आई एम कमिंग टू यू रमा। आपने अपना स्टडी प्लान देखा होगा आई गेस, मैं ऐसा मानती हूँ कि आप क्लास में आए हैं फर्स्ट टाइम, स्टडी प्लान देखकर आए होंगे, है ना? नहीं देखा हो तो जब भी फोन पे नहीं खोलिएगा, लैपटॉप पर खोलिएगा, अपने जो भी आपका बैच है वो लैपटॉप पर खोलिएगा, आपको वहां पर स्टडी प्लान दिखता है। तो जो आपकी सॉयल साइंस या फर्टिलाइजर या एग्रोनॉमी वाला जो पार्ट है, अगर मैं कहूँ तो ये आपका संदीप सर लेंगे, है ना? और संदीप सर इज नॉट वेल एट दिस टाइम, संदीप सर इस टाइम सही नहीं है, तो आपकी क्लासेस इसमें थोड़ा लेट शुरू हो रही है। एग्रोनॉमी और सॉयल साइंस की क्लासेस जो है वो लेट शुरू हो रही है। ऐसा नहीं है कि आपको पढ़ाया नहीं जाएगा, बिल्कुल हर चीज पढ़ाई जाएगी, हर चीज बताई जाएगी, हर चीज सिखाई जाएगी, ठीक है? लेकिन टीचर्स की भी कभी कभी कोई कोई मजबूरी हो जाती है, अब वो वेल नहीं है तो वो आपकी क्लास नहीं ले पा रहे हैं, अदरवाइज वो क्लासें भी आपकी होंगी, इससे आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहे, राइट? इंसेक्ट्स के नेम, ठीक है? इंसेक्ट के नेम मैं कोशिश करूंगी कि मैं हिंदी में भी बताऊं नीरज, है ना? क्योंकि टेक्निकल टर्म्स तो देखो हिंदी में बता पाना मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि मैंने हमेशा इंग्लिश मीडियम ही पढ़ा है। हाँ, एंटो एंड पैथो डिफिकल्ट इसीलिए हो जाता है क्योंकि इनमें रट्टाफिकेशन वाला केस जो है वो काफी ज्यादा हो जाता है, ठीक है? जीके जीएस अभी नहीं हो रहा है आपके स्टडी प्लान के हिसाब से ना, अभी आपकी बस आकाश सर की, वर्षा मैम मेरी और हीना मैम की क्लास लग रही है। क्योंकि अगर एक दिन में हम लोग बहुत सारी, जैसे 4 क्लासेस ये हो गई, अगर संदीप सर भी ठीक होते तो 5 क्लास वो हो जाती, फिर आपकी 2-3 घंटे की जीके जीएस की क्लास लगती, तो 8 क्लासेस पर डे इज वेरी ज्यादा। उसके बाद आप सेल्फ स्टडी करने की बिल्कुल हालत में नहीं रहते हैं, ठीक है? तो क्लासेस आपकी उस तरीके से अरेंज की गई है कि एक दिन में इतना ही वर्कलोड हम बच्चे को दे जितना बच्चा रिवाइज कर पाए, सेल्फ स्टडीज कर पाए, ठीक है? तो वो इसी तरीके से मैनेज की गई है। बिल्कुल, यू विल गेट दैट, है ना? जो भी हमारा टॉपिक कवर होता जाएगा उससे रिलेटेड एमसीक्यूज हम ऑलरेडी प्रैक्टिस करते जाएंगे। और जैसे कि मैंने क्लास की स्टार्टिंग में आपको बताया कि कौन से आपके फोकस एरिया रहेंगे, है ना, किस तरीके का हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहा है, कौन से हमारे फोकस एरिया रहेंगे। देखिए, मैं आपको पढ़ाऊंगी सब कुछ, मैं ये नहीं कर सकती एक स्टूडेंट के लिए कि मैं अगर आपसे सिर्फ 2 टॉपिक से एंटोमोलॉजी से क्वेश्चन पूछे गए हैं तो मैं सिर्फ वही 2 टॉपिक पढ़ाकर आपको कहूँ कि आपका सिलेबस हो गया है, दैट्स नॉट द केस, राइट? आपको सब कुछ पढ़ाना मेरा काम है एंड सब कुछ पढ़ना चाहिए, बिकॉज यू नेवर नो कि एग्जामिनर कब कहाँ से चीजें उठा कर दे रहे हैं। अब एग्जामिनर
मेरा रिश्तेदार तो नहीं है कि मैं उससे पूछ कर आई हूँ कि क्या होने वाला है, राइट? लेकिन यस, पूरा सिलेबस करने के बाद हम अपना फोकस एरिया जज करते हैं कि हमारा फोकस एरिया कौन सा है ना, कहाँ पर हमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, कहाँ पर हम चीजों को एक बार रीड करके छोड़ सकते हैं, या फिर अगर हमसे नहीं हो रही है तो एक पार्ट को वो पार्ट भी आता है कि यार ये तो मुझसे बिल्कुल नहीं हो रहा है तो इसको बिल्कुल छोड़ देते हैं, ठीक है? लेकिन वो केस लास्ट में होता है, शुरू में ही अगर आप ये चलेंगे ये भी मुझे नहीं करना, ये भी मुझे नहीं करना, मुझे बहुत सिलेक्टेड चीजें करनी है, दैट्स नॉट द केस। आईबीपीएस एएफओ का पेपर नहीं देखा आप लोगों ने इस बारे? माइनर सब्जेक्ट से चार चार पांच पांच क्वेश्चन उठ के आ रहे हैं, मेजर सब्जेक्ट से भी चार पांच क्वेश्चन उठ कर आ रहे हैं, सारे सारे सब्जेक्ट्स को बराबर रख दिया उसने इस बारे। तो जो बच्चे अगर ऐसे सोचेंगे मैं पैथो नहीं पढ़ के जाऊंगा, या मैं इंट्रो नहीं पढ़ के जाऊंगा, या मैं जीपी भी नहीं पढ़ के जाऊंगा, उनके लिए क्या रहा? बुरा रहा ना, क्योंकि वो नहीं पढ़ कर गए थे। सो यू नेवर नो द एग्जाम पैटर्न। पढ़ना सब कुछ है, लेकिन फोकस एरिया उन पर रखना है जो हमने प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग देखा हुआ है, ठीक है? ये मेरी अप्रोच है, आपकी पर्सनल अप्रोच अलग हो सकती है, आप उस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं, बट बीइंग अ टीचर आपको यहाँ पर हर चीज पढ़ाई जाएगी, हर चीज एक्सप्लेन की जाएगी। मैं सिर्फ दो टॉपिक्स में एंटोमोलॉजी खत्म नहीं कर सकती हूँ, ओके? यस, मैंने जैसे आपको फर्स्ट में ही बताया, क्लास के शुरू में ही बताया, आपका मेजर एरिया जो एंटोमोलॉजी एंटोमोलॉजी से रहेगा वो केमिकल्स के ऊपर रहेगा, लेकिन हर सब्जेक्ट को एक पढ़ने का ढंग होता है। मैं आपको पहली क्लास में केमिकल्स नहीं पढ़ा सकती हूँ, ठीक है? ये टर्म्स जो आज हमने समझी हैं ये पीछे पीछे यूज होती जाएंगी, जैसे आप क्रॉप पेस्ट पढ़ेंगे तो ये चीजें यूज होती जाएंगी, ठीक है? ये दिस टाइप ऑफ इंसेक्ट इज होलोमेटाबोला, दिस टाइप ऑफ इंसेक्ट इज हैविंग हेमिलाइट्रा टाइप ऑफ विंग्स, फिर आप वहां पर मुझसे मतलब पूछेंगे, है ना? वहां पर मतलब पूछेंगे मैम हेमिलाइट्रा क्या होता है, फिर वापस फर्स्ट पर आना पड़ेगा। तो हम एक जिस तरीके से कोर्स को पढ़ना चाहिए कि पहले आपको ये चीज पता होनी चाहिए तब आगे बढ़ने में आसानी होगी, हम उसी सीक्वेंस में इसको पढ़ेंगे, लेकिन फोकस एरिया हम उसी पर रखेंगे, क्वेश्चन हम उसी तरीके के प्रैक्टिस करेंगे जिस तरीके के हमारे एग्जाम्स में आएंगे। डोंट वरी अबाउट दैट, ओके? एनी क्वेश्चंस एंड क्वेरीज फ्रॉम टुडेज क्लास? क्लास से कोई रिलेटेड क्वेश्चन क्वेरीज है तो बिल्कुल बताएं। आज की क्लास में कुछ डाउट है, कुछ नहीं समझ आया है? डोंट वरी, यू विल एंजॉय एंटोमोलॉजी विद मी। इतना एंजॉय आपने एंटोमोलॉजी को नहीं किया होगा जितना आप इन क्लासेस में करेंगे, ओके गाइस? थैंक यू सो मच, गुड बाय एंड टेक केयर।